मंगलवार अखिलेश यादव संसद में बजेट उपरे आलोचना बेले अग्निवीर प्रसंग उठाई अखिलेश कहते जे बीजेपी सरकार निजे योजना को पसंद करते तेणु से निज राज्य सरकार को अग्निवीर को चाकरी कोटा देवाक घोषणा कर संसद अखिलेश यादव यूपी कृषि बजेट कृषक और अग्निवीर योजना विषय को नहीं केन्द्र को समालोचना कर मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार को, किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके एमएसपी की कब तैयारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ देश को मिलेगा, अगर 1,00,000 करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वे बात अलग है, लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी? और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लाएंगे, तो सभापति महोदय हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हो आए, G20 में भी आपने आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप? और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। खाली नुहे अधिवेशन अग्निवीर योजन वितर्क शेष में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद उठी निज मंतव्य कहते कि अखिलेश जी आपण बहुत भल भाषण देखते। अखिलेश जी कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए, आपने अच्छा भाषण दिया उनको भी सिखा दीजिए। स्पष्ट कि सरकार को राहुल कटाक्ष भारी बाधुची, एथसहित सरकार नेता विरोधी तर्क एवं विषय पसंद आसुची, किंतु बोध हुए कहा उपरे समर्थन करने संभव हो नहीं, जदिओ एक संसद में अनेक थर राहुल कहते।